रोती हुई शिवानी कुमारी को तीन दोस्तों ने समझाया और चुप भी करवाया। अभी शिवानी कुमारी के इस घर में जो है सबसे अच्छी दोस्त सना मकबूल है, जिसके बारे में मैं लगातार अपनी वीडियो के जरिए आप तक हर एक चीज़ जो है वो पहुंचाती हूं। हालांकि मैं इन दोनों की दोस्ती को क्या मैंने इन दोनों की दोस्ती को शिवानी और सना मकबूल की दोस्ती को क्या नाम दिया है, अगर आप लोग कंटिन्यूसली मेरी वीडियो देखते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वहीं पर जो है लव कटारिया और विशाल भी है। अब जो है शिवानी को पता चल चुका है कि अरमान मलिक जो है बता रहा है, बोल रहा है कि शिवानी जो अबेहोश हुई थी उसका सिर्फ और सिर्फ नाटक था। ये चीज़ें जो है अरमान मलिक बोल रहा है। ऐसा जैसे ही शिवानी को पता चला तब शिवानी जो है रो भी रही है, शिवानी जो है बोल भी रही है कि हम ऐसा नाटक क्यों करेंगे, हमें ऐसा नाटक करने की क्या ज़रूरत है, हमें जो टेंशन हुई, जो सब चीज़ें हुई वो सबके सामने थी, हम बात करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। तो सना मकबूल जो है वहाँ पर समझा रही है, ज़्यादातर जो है सना मकबूल ही बात कर रही है और लव और विशाल जो है सना की बात सुन रहे हैं। जब दोस्त सही बोल रहा है तब उसमें टोका टाकी करना जो है दोस्त की सही बात नहीं होती। तो सना जो है काफ़ी अच्छे से समझा रही थी शिवानी को और लव और विशाल जो है इसमें कोई टोका टाकी नहीं कर रहे थे, क्योंकि सना मकबूल की बात से वो काफ़ी ज़्यादा एग्री करते थे और आप भी एग्री ही करेंगे। उनका कहना ये है कि देखो 15 लोग 15 तरह के दिमाग, 15 तरह की बातें, और ऐसा नहीं है कि अरमान ही ये बात बोल रहा है। जब अचानक ये सब चीज़ें हुई तो पूरा घर ये बात बोल रहा है और मैंने भी ये बात सुनी है। और 15 लोग हैं, 15 बातें हैं, 15 दिमाग है, तो अब तुझे पता ना कि क्या सच है क्या नहीं है, ऑडियंस को पता है क्या सच है क्या गलत है। तो बाहर जो जैसा दिखना है वो बाहर दिखेगा, जिसने भी जो जज करना है वो तुझे बाहर जज करेगा, इनके जज करने से तुझे कोई मतलब नहीं है, तुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। इस तरीके से जो है वो काफ़ी अच्छे से समझाती है और शिवानी जो है वो समझ भी जाती है। हालांकि अगर शिवानी जो है इस चीज़ को क्लियर करने या अरमान मलिक के पास या किसी और के पास भी जाती है या ये मुद्दा उठाती है तो डेफिनेटली जो है अरमान मलिक और भी ज़्यादा जो है शिवानी कुमारी को बातों में हर्ट कर सकते हैं और काफ़ी सारी बातें जो है वो बोल सकते हैं, क्योंकि सिर्फ अरमान को नहीं बाकी घर वालों को भी ऐसा ही लग रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ ड्रामा था। अगर झटका लगना था तो उसी वक्त लगता, इतने घंटों के बाद जो है कैसे बेहोश हो गई ये, वो सिर्फ ड्रामा था सिर्फ और सिर्फ अटेंशन पाने के लिए। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, नमस्कार।